उसमें हमें एक कल शाम को ही देर शाम को एक टिप मिला था कि इस जगह पे नकली पनीर बनाने का कार्य हो रहा है, तो हमने वेरिफिकेशन के लिए टीम भेजी थी। लेकिन जब हम यहाँ आए तो पाया कि तो इनके पास फूड लाइसेंस ही नहीं है, ये पहला ऑफेंस बनता है। दूसरा, जब देखा तो इतनी गंदगी है, बाहर दूर तक सड़े हुए दूध की गंध आ रही थी। इसके बाद देखा कि इन्होंने दूध में से सारा फैट एक्सट्रैक्ट करके फिर सेपरेट का दूध का ये जो पनीर बना रहे हैं, ये भी एक FSSAI के अंतर्गत ऑफेंस है कि वो मानक स्तर का नहीं होता है पनीर हमारा, और जो गंदगी आप देख रहे हैं वो भी है। तो हमने दूध के, पनीर के, क्रीम के सबके सैंपल्स लिए हैं ताकि पता चले कि एग्जैक्टली ये क्या दे रहे हैं। गंदगी भी है, फूड लाइसेंस भी नहीं है। किसकी फैक्ट्री है और कहाँ का रहने वाला? कोई राजू राम बताते हैं, निम्बुला गांव से, नागौर जिले में आता है निम्बुला गांव, वहाँ से राजू राम बताते हैं और बता रहे हैं कि करीब 2-3 साल से ये काम शुरू हुआ है। अच्छा, यहाँ कितनी क्वान्टिटी में बनता है? अभी तो हमारे पास जो मौजूद है वो करीब 200 किलो पनीर के आसपास है, उसको हमने सीज किया। कहाँ खपाते थे? ये तो लोकल डेयरीज में और शादियों में आप बेचते होंगे, जहाँ बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह वहाँ बेचते होंगे, ज्यादा कुछ बता नहीं रहे। अगर दीपावली का आर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां है RGHS, आयुष्मान, कैशलेस मेडिक्लेम के साथ साथ 24/7 आपातकालीन सेवाएं, और साथ ही न्यूरो एंड स्पाइन फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, मूत्र रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट जैसे हर डॉक्टर की सेवाएं भी।